मुखिया कैसा हो? अशोक भैया कैसा हो? भारत का मुखिया कैसा हो? अशोक भैया कैसा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं समीउल्लाह चंपाड़ी। शिवहर जिले के और शिवहर प्रखंड के माली पोखर भिंडा पंचायत के बिसाही गांव में है। यहां पर जयकारा लग रहा है अशोक कुमार का। बात करेंगे क्या कुछ इन्होंने कर दिया है लोगों के साथ। पहले तो नाम बताइए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि एसटीवी से आप बहुत कीमती बहुमूल्य टाइम देकर मेरे पंचायत में माली पोखर भिंडा पंचायत मेरा एक नंबर पंचायत पड़ता है, इसके लिए आपको भाजपा परिवहन ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता मेरा नाम है। सबसे पहले मैं अपने पूरे पंचायत ग्रामीण से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना के साथ आपको नमस्कार कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जयकारा लग रहा है अशोक कुमार। जयकारा इसलिए लग रहा है कि हम लोग 5 साल का पर्व है। हम लोग ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव करें जो सबका साथ, सबकी विकास की बात करे और सबको ले कर चले, जिसका नाम अशोक कुमार है। 30 वर्षों से हम लोग के सेवा में बिना पद पर रहते हुए जो काम करते आए हैं वह मेरा हम जनता विश्वास है कि अगर विकास की अगर कोई भी काम हो तो अशोक कुमार से ही होगा। हम लोग पूरा जनता आशीर्वाद उनको दे चुका हूं कि हर अब की बार अशोक कुमार, मैं अपना कीमती वोट अशोक कुमार के। पूरा बदलाव के मूड में है, एकदम बदलाव का मूड है। इसलिए 5 साल का हम लोग पर्व है, ऐसा आदमी को उपयोग करूं कि जो हम लोग को सबका साथ और सबका काम करे, उसमें कसौटी पर बिना पद पर रहते हुए एक अशोक कुमार ऐसा व्यक्ति है जो हर आदमी को दुख सुख में हॉस्पिटल ले जाना, किसी को जेल से छोड़वाना, किसी को मान सम्मान के साथ अभी तक ले ठेस पहुँचाने का या गलत काम कभी नहीं किया है। इसलिए मेरा जनता आपकी बार आशीर्वाद दे चुका है कि हर हालत में मैं ऐसा प्रतिनिधि बना के ही रहूँगा। बाबा इधर आइए। क्या नाम है? कामेश्वर प्रसाद। बहुत उत्साह में, बहुत जोश में लग रहे हैं। जी जी। क्या वोट देना है ना? देना है। पक्का? पक्का। कौन छापे इस बार लगेगा बटन? ढोलक छाप बटन लगेगा। ढोलक छाप? ढोलक छाप। 8 को छाप है। जी जी। ढोलक ही का है? ढोलक में यही है कि हमारे अशोक कुमार जो कैंडिडेट बन के आए हैं वो बहुत अच्छे इंसान आदमी हैं। 31 साल से लोगों को सेवा करते आ रहे हैं। कोई जात पात का इनके भेदभाव नहीं है। जिस समय इनको कॉल किया जाता है उसी समय वह तुरंत तैयारी हो जाते हैं और जहां से कॉल आते हैं वहीं जाके पहुंच जाते हैं और जो इनका काम मिलता है वो काम पर हाजिर तैयार रहते हैं। इसलिए इस बार दे रहे हैं मौका आप लोग। जो जरूर मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे? ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देंगे तो किन लोगों को मौका देंगे? बेईमानों की राज है। और हम लोग अच्छे इंसान को चुनना चाहते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम अशोक पासवान है। आप भी अशोक जी हैं? जी जी, हम ही अशोक जी हैं। हम भी गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं और अशोक भैया जो हमारे हैं कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ये हमारे गरीब को बहुत उदाहरण करने वाले हम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए हम लोग गरीब व्यक्ति अशोक भैया के अपनी बहुमत से विजय बनाना चाहते हैं, यही हमारा उपहार है सर। आपका क्या काम किए? हमारे लिए गरीब को बहुत काम किए हैं। अब एक दो को बताइए। हमारे गरीब में जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी का केस हो चाहे कि किसी को इमरजेंसी हो, जब कॉल करते हैं जो वहाँ आ जाते हैं, हॉस्पिटल गेट हो चाहे जेल गेट हो चाहे जहाँ भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं अपने तरफ से। नाम बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। पुरुषोत्तम जी क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कितने क्लास में? इंटर। इंटर में है। ये बताइए, पंचायत चुनाव आ गया है, मन बन गया होगा इलेक्शन का, मन बन गया होगा वोट देने का। इस बार क्या प्लानिंग है? इस बार प्लान है सर कि जैसे मैंने कि हम लोग को बदलाव आना है। क्या है बस कोई काम? पंचायत को विकास के लिए बदलाव चाहिए। कोई काम नहीं है? विकास नहीं है जी? नहीं, कुछ नहीं है। इंदिरा आवास में सर 35-35 हज़ार रुपया घुस लेते हैं। सिफ्टी वाले में मैंने कि 2-2 हज़ार रुपया घुस लेते हैं सर। सारी जनता को यानी कि क्या किया है कि पूरा नोच कर खा गए हुआ है। सारी जनता यानी कि बखुला गए हुआ है कि मैंने कि इस बार विकास होना ही चाहिए, इसलिए एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहते हैं जिनका नाम है अशोक कुमार, जो मुखिया पद के लिए उनको चुना जा रहा है। और सारी जनता का यही राय है, अगर हमसे नहीं हो सारी जनता से आप पूछ सकते हैं सर। ये काम करेंगे? जी जी जी, पूरा भरोसा है। और 31 सालों से करते आ रहे हैं। किसी को खून देने का जरूरत होता है जो 500 लोगों को यानी ये खून दिए होंगे। ठीक है सर, 30 साल से काम कर रहे थे, पहले काहे नहीं जीता इनको?
जो पहले यानी कि क्षेत्र में नहीं आए हुए थे, जैसे पैक्स में ऐसा जनता यानी कि समझते हैं, क्योंकि अंधविश्वास है, यहाँ पैसा का मार चलता है। कैंडिडेट लोग क्या है कि जो ब्लैक मनी रखे हुए रहते हैं वो पैसे पे यानी कि गरीब को क्या है मोहित कर लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस बार पूरा बदलाव के मूड में है। जी जी, पूरा बदलाव के मूड में है। आइए इधर आइए और नाम बताइए। मेरा नाम केदार शाह है। केदार जी क्या करते हैं? हम काम करते हैं शिवहर में। कौन काम करते हैं? काम करते हैं, अपना बिजनेस है, रोजगार है, मतलब ठंडा उंडा का काम करते हैं। लोगों को ठंडा पिलाकर दिमाग को ठंडा करते जी हैं। और सब कहिए, सब बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे इस पंचायत में जो भी है वो सभी पूरे बिसाही से लेकर माली राज माली पोखर भिंडा तक पूरे पंचायत का यही प्रतिनिधि अशोक शाह सबके दिमाग में गड़ा हुआ है कि यह बढ़िया आदमी है, बढ़िया नीति है इनका, बढ़िया विचार है, और इन्हीं को अब की बार चुनाव में इस बार देखना है। काम करेंगे ये? बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल विश्वास है कि यह जो है हम लोग 5 साल पर रिवाइज कर देना है कि हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में होता है, अगर यदि नहीं करेगा तो फिर इसके बाद जो होगा वो हमारे हाथ में है। यह सेवा कैसे नहीं करेगा, जब जनता एक्टिव होगा तो बिल्कुल जनता के सामने यह काम करके दिखाएगा, और जनता अगर झुक जाएगा तो जनता को ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करेगा, फिर का विकास करके दिखाएगा, जब ही यह अगले बार से यह इलेक्शन में चाहे कोई भी चीज़ में यह उन्नति कर पाएगा। क्या नाम है? सियावती देवी। सियावती देवी, वोट का टाइम आ गया है, चुनाव आ गया है, लोग भी घूम रहा है, आपके यहाँ 8 आदमी हैं चुनाव में मुखिया में खड़े हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं आप? एरर सोच रहे हैं अशोक कुमार के देंगे? हमको बेटी फरकी पर लदा गया, मगर कोई साथ नहीं दिया, अशोक साथ दिया, खून भी दिया हमको बेटी के लिए आया, तो हम उनको साथ न देगा तो हम दूसरा साथ नहीं देगा, खून दिला खून के बदल उनका खून देंगे। हाँ, पूरा बदलाव चाह रहे हैं? पूरा एकदम। कुछ काम है, इंदिरा आवास वगैरह मिला है? नहीं मिला है। नहीं तो आ गया तब मुखिया खा गया, सब खा गया है, खा गया। हाँ, खा गया मुखिया। कच्चे खा गया कि पका के खा गया? पका के खा गया, एकदम पकाइए के खा गया। गैस पे पकाया है कि चैली पर पका के खा गया पूरा। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? अपरर सोच रहे हैं अशोक कुमार के देने के लिए वोट। छाप मालूम है उनका? हाँ। कौन सी छाप? अति ढोल छाप पर, वहाँ जाके भुला जाए तब ना भुला। पका बा? एकदम पका बा। याद बा कौन नंबर पे बा? 2 नंबर। पूरा रोड लेने वाली? हाँ एकदम। इस बार क्या सोचे हैं? सोचे हैं अशोक कुमार पर वोट देगा। अशोक को देगा? का है? देगा हम। का है अशोक को देगा? का है? सब कुछ करमाता है, सारा कुछ करता है। इंदिरा आवास मिला है? ना, हमरा ना देले है। राधिका देवी। राधिका देवी। हाँ। तो देवी जी बताइए, वोट देना है इस बार? देवना। किनका मन बा? हम अपना जाप के अशोक के देव। का है? यही लगा देव, अशोक हमारे हवा तो हम ना देव, कहे ना देव, सबके लेके बेचारा चल रहे, सब देव सब देखा ढोलक साथ में अपने देव। तो क्या कुछ होता है, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। इस बार क्या सोचे हैं?